दबंग मास्टर साहब की दबंगई आई सामने। हमीरपुर जिले में एक दबंग अध्यापक की दबंगई का मामला सामने आया है। विद्यालय पहुंचे मीडिया कर्मी के कैमरे में विद्यालय की कमियां रिकॉर्ड होने के बाद मास्टर साहब आवेश में आकर मीडिया कर्मी के साथ अभद्रता करना शुरू कर दी। यह मास्टर साहब मीडिया कर्मी के स्कूल की हकीकत दिखाने से इतने नाराज हो गए कि मीडिया कर्मी से छीना झपटी शुरू कर दी। विद्यालय में फैली गंदगी और अव्यवस्था को लेकर मीडिया कर्मी विद्यालय पहुंचा था। दबंग मास्टर साहब को मीडिया कर्मी द्वारा विद्यालय की हकीकत दिखाना ना गवार लगा। अध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहा है। मोटी तनख्वाह पाने वाला यह अध्यापक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में आमादा है। यह पूरा मामला सुमेरपुर विकासखंड के छानी खुर्द के कॉम्पोजिट विद्यालय का है। विद्यालय में आज सुबह कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मी ने जब अध्यापक साहब से विद्यालय परिसर में फैली गंदगी सवाल करना शुरू किया और देर से आने के सवाल पर अध्यापक का पारा हाई हो गया और मीडिया कर्मी के साथ अभद्रता के साथ साथ मारपीट पर उतारू हो जाते और देख लेने की धमकी दे डालते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद देखना अब यह होगा कि प्रशासन दबंग मास्टर साहब के ऊपर कोई कार्यवाही होती है या मास्टर साहब की दंगाई इसी तरह से चलती रहेगी और विद्यालय में समय से न आने पर क्या नैनिहालों का भविष्य इसी तरह अंधकार में जाता रहेगा। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, चित्रकूट मंडल, एवीपी भारत न्यूज चैनल। गेट खुलवाने वाले पूछ नहीं सकते हो, गेट क्यों बंद है? गेट नहीं खुलता है क्यों? जब टीचर कम है तो टीचर कम होने का बच्चे यहीं बैठ रहे हैं। बच्चे उधर मतलब बैठना अलाउ नहीं है? बच्चे इधर उसमें अलाउ नहीं है ना, सफाई नहीं हो सकती। और सफाई कौन करता? नहीं होती सफाई। आओ चलो, आप दिखाएं तुम्हें, चलो आप दिखाएं सफाई। कितना बड़ा मीडिया,